नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम ने कहा, पीएम के दौरे से काफी उम्मीदें थी लेकिन पीएम ने सिर्फ भाषण दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी झूठे लगाए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार में अखंड डूबे लोग दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। शराब और कोल घोटाले पर सीएम ने कहा कि राज्य का खनिज और आबकारी राजस्व लगातार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप बेबुनियाद है। बरसते पानी में आए थे, जिस सड़क का उद्घाटन किए उसी सड़क में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई, उसी सड़क में। लेकिन उम्मीद थी कि कुछ 4.5 साल बाद आए हैं, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन झुंझुनू अब तक नहीं मिला। केवल गाली दे के, राज्य सरकार को गाली दे के गए। इनके पास किसी जवाब नहीं है, ना गोधन न्याय योजना का, ना भूमि श्रमिक न्याय योजना का, ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, ना हमारे हाट बाजार क्लिनिक योजना का।